हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। एंड इन दिस वीडियो दैट इज डे 21 ऑफ दिस प्लेलिस्ट, वी आर गोइंग टू सी लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एलसीएस वेरिएशन। ओके, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसके वेरिएशन, जितने भी वेरिएशन प्रॉब्लम्स हैं उसमें ऑलमोस्ट ये लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हम इस प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं। दैट इज मिनिमम डिलीशन टू मेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक। ओके, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, उसके बाद हम कैसे ये रिलेटेड है हमारे एलसीएस से, एंड थर्ड हम इसका कोड देखेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स जस्ट सी व्हाट इज न्यूटन स्कूल। सो बेसिकली एज वी ऑल नो, न्यूटन स्कूल इज ए नी लर्निंग प्लेटफॉर्म विच हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स स्पेशली डिजाइंड फॉर यू। फर्स्ट प्रोग्राम दे हैव इज फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स एंड पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। ओके, सो वॉट दे डू इज दे विल train you for 6 months, they will make you a full stack developer by teaching you different techs whatever are needed, and not only this, after that they will also get you placed in these different companies. Okay, so they have tie up with almost 300 companies of India. So firstly they will make you a full stack developer by teaching you for 6 months, and after that they will also get you placed in these companies for minimum 5 lakh CTC. Okay, so if you want to know more about this program, you can just come to newtonschool.co, and you can especially see here that right now batch application for full stack development course is still open, so you can apply now. Most amazing thing about this is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, second program they have for you is Launchpad Initiative, under which they are providing you different courses for free. Like they have different courses especially designed by educators for you, where you can get certificates also after completion of any course. So you can just come check their pre after placement program and Launchpad Initiative. One more thing, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel where we have different playlists for you, like DP for data structures and algorithms, for JavaScript, for C++ also. Okay, so you can just go and check. And now let's just go to the today's video, that is minimum deletions to make a string palindromic. Okay, firstly problem statement देखते हैं। हमें एक string given है, ठीक है, simple सी एक string है, और इस string में suppose मेरे पास एक string A B C D and D C B F E A, ठीक है, मुझे इसमें ये बताना है कि मुझे कौन कौन से इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस कर दूं, मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस सच दैट ये जो कंप्लीट स्ट्रिंग है ये क्या बन जाए, पैलिंड्रोम बन जाए, ठीक है। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई है, ठीक है, फाइन। नाउ अब इस क्वेश्चन को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एलसीएस से, वो भी देखेंगे अभी, बट पहले प्रॉब्लम को और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेन एम हमारा क्या है, हमें इस स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स निकालने हैं मेनली, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स निकालने हैं और इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाना है, ठीक है। तो कैरेक्टर निकालने में एग्जैक्टली होगा क्या ये देखते हैं। सपोज मैंने ये 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 और ये कैरेक्टर निकाल दिया, ठीक है, बाकी बचा हुआ जो सब सीक्वेंस है, ठीक है, इन चारों कैरेक्टर्स को हटाने के बाद, सपोज मैंने ये और ये फॉर नाउ ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, बट मैंने ये चार कैरेक्टर निकाले, ठीक है, और ये मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस हो गए। तो अब जो मेरा बचा हुआ स्ट्रिंग है, दैट इज ए बी डी डी बी ई, अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन अब ये जो है ये मेरा एक पैलिंड्रोम होना चाहिए, ठीक है, फाइन। नाउ मेरा मेन एम क्या है कि मुझे ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैं हटा रहा हूँ, ओके, ये कम से कम होने चाहिए, मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका वाइस वर्सा टास्क देखूं, दैट इज ये तो मेरा जनरल टास्क था जो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर मैं इसी का वाइस वर्सा टास्क देखूं जो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन का मेन एम है, वो क्या हो सकता है कि मुझे कम से कम कैरेक्टर्स हटाने हैं सच दैट मेरी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम बन जाए, ठीक है। कम से कम कैरेक्टर्स हटाने का मेन एम मेरा क्या है, कम से कम कैरेक्टर्स हटाने का मेन मतलब मेरा क्या है, जो जनरलाइज कर दूं अगर मैं क्वेश्चन को, तो मेरा मतलब ये कि मुझे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बनाना है। ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्यों हुआ, मैंने मुझे तो मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में गिवन था, मैंने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कैसे बना लिया,
तो अगर मैं इससे मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालूंगा, सपोज मैंने चार कैरेक्टर्स निकाले, ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे बस यही चार कैरेक्टर निकालने की ज़रूरत थी और मेरी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम बन चुकी, ठीक है। अगर सपोज एक पॉसिबिलिटी होती कि मुझे ये चार कैरेक्टर्स की जगह ये चार भी ना निकालने पड़ते, मुझे खाली दो कैरेक्टर्स निकालने पड़ते पूरी स्ट्रिंग में से, दैट इज दिस और दिस, तो मेरी जो बची हुई स्ट्रिंग है, सब सीक्वेंस है, जो मेरा स्ट्रिंग का बचा हुआ सब सीक्वेंस है, वो क्या होता, वो अपने आप में पूरा का पूरा एक पैलिंड्रोम होता, ठीक है। तो यू कैन से कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने के बाद जो बची हुई स्ट्रिंग है वो ऑब्वियसली क्या होगी, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यू कैन इजली से दैट जो मिनिमम डिलीशन टू मेक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, ठीक है, मिनिमम डिलीशंस वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें करना क्या है एग्जैक्टली, हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम निकालना है। और अगर हम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम निकाल ले रहे हैं, ठीक है, सच दैट हमने लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग निकाल ली है, सपोज ये मेरी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग थी, ठीक, तो जो मेरी मेन स्ट्रिंग थी दैट इज दिस, इसके जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे, लेट से इसके कैरेक्टर्स थे एक्स, एक्स से मैंने सिंपली क्या किया, दो कैरेक्टर्स निकाले हैं और मुझे ये स्ट्रिंग मिल गई है। तो अगर मैं सिंपली सपोज इसकी लेंथ थी वाई, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक्स माइनस वाई मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे हटाने हैं, सच दैट जो मेरी बची हुई स्ट्रिंग है सब सीक्वेंस वो मेरा पैलिंड्रोम बन जाए। आई होप यहाँ तक सब समझ में आया होगा, ओके, बहुत ईजी सी चीज़ है। सो जो मेरा मेन टास्क है दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशंस टू मेक अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, वो अब किस में चेंज हो गया, मुझे एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब सीक्वेंस निकालना है, ओके, और वो निकालने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, जो मेरी मेन स्ट्रिंग की लेंथ थी दैट इज एल ऑफ मेन स्ट्रिंग माइनस लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, और ये मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम डिलीशंस टू मेक ए स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक, ठीक है, फाइन। अब जो मेरा मेन एम बचा वो क्या हो गया, मेन एम मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना क्या है, मेरा जो आंसर है वो क्या है एग्जैक्टली, एल ऑफ मेन स्ट्रिंग एस माइनस एल ऑफ पैलिंड्रोम लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, ठीक है, एल पी इसको बोल लो। अब ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे ये निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग सब सीक्वेंस। इस चीज़ का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में बना चुका हूँ, अगर आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में नहीं देखा है यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, ओके, तो यू कैन जस्ट गो एंड यहाँ पे देखो डे 18 में मैंने बताया था लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 12 मिनट्स ओनली, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड दैट वीडियो इज़ ऑब्वियसली अ प्री रिक्विजिट, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली निकालना क्या था, एल ऑफ मेन स्ट्रिंग माइनस एल ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, और ये चीज़ मैं उस वीडियो के हेल्प से एग्जैक्टली निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे तुरंत ब्रीफ में बताऊँ तो वो होता क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस क्या होता है, सिंपली लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ मेन स्ट्रिंग एस एंड रिवर्स ऑफ एस, ठीक है। तो एज इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला था कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये किसका वेरिएशन है, एलसीएस का, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये कैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन एलसीएस का वेरिएशन है। तो अगर आपने खाली एलसीएस पढ़ लिया तो आपने इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए, ठीक है, डीपी में, तो यही होता है कि डीपी का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखो और उसके सारे मॉडिफिकेशंस देख लो तो आपने काफ़ी सारी डीपी की प्रॉब्लम्स कर ली ऑलरेडी, ठीक है। तो एलसीएस ऑफ मेन स्ट्रिंग एस एंड इट्स रिवर्स ऑफ इट्स रिवर्स इट विल गिव मी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस, और सिंपली मैं उससे क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा मेन स्ट्रिंग एस से और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, दैट इज एक्स, मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिलीट फ्रॉम स्ट्रिंग एस टू मेक इट अ पैलिंड्रोम, ओके। सो दिस वॉज माई कंप्लीट क्वेश्चन, ये मेरी इस क्वेश्चन की अप्रोच थी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सिंपली एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ अगेन वॉट इज द होल कॉन्सेप्ट और अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
मुझे कोड बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कोड ऑफ LCS इन ऑल द प्रीवियस वीडियोज़, ठीक है? और इसका तो एक कंप्लीट वीडियो है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो इन day 18 ऑफ दिस प्लेस. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन. इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस. एंड इफ यू हैवेंट विजिटेड newtonschool.co जस्ट गो एंड चेक देयर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड लॉन्च पैड इनिशिएटिव. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.